मेरा वजूद सिर्फ मेरी मोहब्बत से है, मुझे गरूर बहुत अपनी मोहब्बत पे है। मुझे चाहते होंगे और भी बहुत लोग, लेकिन मुझको मोहब्बत सिर्फ अपनी मोहब्बत से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आरफा शौकत आरफाज किचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज मोहब्बतों का त्यौहार है और इस सब लोग मोहब्बत और प्यार का त्यौहार मना रहे हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज हम एक आप लोगों के लिए नई और बड़ी अच्छी मुगलिया रेसिपी मक मुसल्लम लेकर आए हैं। तो आइए देख लेते हैं आज की इस रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास चिकन है, ये पूरा साबुत चिकन है, इसीलिए इसको मुसल्लम कहा गया है, मर्ग मुसल्लम। और इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जो रेसिपी है हम दो फेजेस में बनाएंगे, एक चिकन को मैरिनेट कर लेंगे और एक तरफ इसका जो मसाला है वो बनाएंगे। तो ये चिकन है, इसके मैरिनेशन के लिए हम आपको मसाले बता रहे हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये 2 टीस्पून है, ये हाफ कटोरी दही है, और ये ज़ाफ़रान है जो कि कीड़े में डूबी हुई है, और ये आधा कटोरी विनीगर है सिरका, और ये जो है ये देखिए नमक है 1 टीस्पून या हसबे ज़ायका, ये 1 टीस्पून मिर्च है, ये ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून ऑलमोस्ट, और ये धनिया पाउडर है ये 1 टीस्पून है, और ये हमने मेवे काट के रखे हैं 2 हिस्सों में, ये बादाम हैं, ये काजू हैं 2 में डिवाइड करके, पिस्ता हैं, और ये किशमिश हैं। बादाम 8 से 10 हैं, काजू भी 8 से 10 हैं, और 6-8 पिस्ते हैं, और ये इतनी किशमिश हैं। तो ये तो हो गया ये हमारे चिकन को मैरिनेट करके चिकन में लगाने वाला। अब हम मसाले की आपको रेसिपी का बता देंगे कि ये प्याज है, प्याज की भी हम बघार बनाएंगे, ये ऑयल है 1 कटोरी ऑलमोस्ट, और ये काजू हैं हमारे पास 10 से 12, ये 4-6 हमारे पास बादाम हैं, 10-12 ये पिस्ते भी हैं हमारे पास, ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून है, ये 1/2 कटोरी दही है जो कि हमने फेंट के रखा है, ये नमक है हसबे जायका या 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मिर्च है, ये धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला है। तो ये सब तो हो गई हमारी रेसिपी, और ये 2 अंडे हैं जो कि ये भी मुर्ग मसल्लम में ही जाएंगे। तो ये और एक ये लेमन है हमारे पास, ये भी मैरिनेशन में चिकन के पड़ेगा। तो ये तो हमारी हो गई इंग्रेडिएंट्स। अब हम आपको मैरिनेशन का मेथड दिखा देते हैं, उसके बाद हम कुकिंग पे चलेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स ये सिरका है हमारे पास 1/2 कटोरी, इसमें हम ये नमक डाल देंगे, नमक इसमें चला गया है, ये 1/2 कटोरी नमक हम, ये 1 टीस्पून नमक, या आप अपने हसबे जायका नमक डालेंगे, और अब आप इसको ये विनेगर जो है, नमक मिला दिया आपने इसमें विनेगर में, अब आप इसको इसमें चिकन में डालेंगे अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप अच्छे से लगा देंगे इसमें ये खूब सारा, ताकि अच्छा सा इसमें चला जाए। ये देखिए ब्रश का भी मैं यूज़ कर लेती हूँ इसमें। ये देखिए ये आपने अंदर भी इसके विनेगर लगा दिया। अब आप इसमें ये आप अपना ज़ाफ़रान विथ क्योड़ा वाटर ये आप इसमें लगा देंगे खूब अच्छे से, ताकि इसमें आपकी अच्छे से ज़ाफ़रान की स्मेल जो है बिल्कुल पेवस्त हो जाए, खूब अच्छे से स्मेल इसमें आ जाए। ये हमने कर लिया, ये हो गया। अब हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमने डाला लहसुन अदरक जो हमारे पास 2 टीस्पून था, इसको हमने डाला, और इसमें हमने नमक हम चिकन में ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो इसलिए मिर्च गरम मसाला और ज़ीरा ये हमने डाल दिया इसमें, और इसको हमने इसमें हमने योगर्ट डाल दिया, दही,
और साथ ही हमने इसमें एक नींबू जो है वो भी स्क्वीज कर देंगे। ये देखें, अब ये हम इसको ये हमने सब मिक्स कर दिया और अब हम इसको चिकन में मसाला लगा देंगे। ये देखिए आप लोग, ये आप अच्छे से इसमें कट्स में भी कोशिश करेंगे कि ये देखिए डाल के अच्छे से कट्स में भी जाना चाहिए ताकि आपका मसाला अच्छे से अंदर तक इसमें चला जाए चिकन में। ये मैंने टांगों में भी कट्स लगाए हुए हैं इसके पूरा, ये देखिए, और ये आपने अंदर भी सारा लगा दिया। अब आप चिकन को पलटेंगे और पलट के फिर आप यहाँ पे भी जैसा कि मैंने कट्स लगाए हुए हैं इस पे भी आप लगा देंगे अच्छे से। तो ये इस तरह से आपका चिकन में मसाला लग गया है ऑलमोस्ट। ये देखिए जो बचे हुए जगह हैं उस पर आप अच्छे से लगाएंगे। ये दिस वन, इसमें अच्छे से जी। तो फ्रेंड्स ये हमने मसाला लगा दिया, इसमें मैरिनेट कर दिया है इसको। अब हम इसमें ये बॉइल्ड एग्स डालेंगे, ये हमने एक दो ये, और ये जो हमने मेवे रखे थे ये भी हम इसमें डाल देंगे, फिल कर देंगे खूब अच्छे से। आप ये काट काट के मेवे और ये एग्स ये इसमें आप डाल देंगे, और इसके बाद आप इसको चिकन ओवन में रोस्ट करने को रख देंगे चिकन को। और जिन बहनों के पास जिन खवातीन के पास ओवन नहीं है तो वो इसको फ्राई भी कर सकती हैं। तो मैं इसको ओवन में डालूंगी। एक बात बताती चलूं कि ये मसाला लगाने के बाद आप इसको एटलीस्ट एक घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट आप इस चिकन को छोड़ सकती हैं ताकि मसाला जो है अंदर तक इसमें डीप पेनिट्रेट कर जाए। हाँ तो फ्रेंड्स ये मसाला मैंने इसमें लगा दिया है और ये आपने देखा कि मैंने इसके अंदर फिलिंग भी कर दी है ये अंडे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। अब मैं इसको एक घंटे के लिए छोड़ दूंगी, एक घंटे के बाद मैं इसको रोस्ट करने के लिए ओवन में डाल दूंगी। और जिन बहनों के पास ओवन नहीं है वो इसको फ्राई भी कर सकती है, फ्राई करके मसाले में डाल दूंगी तब भी इनका मसाला बहुत टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स ये देखिए आफ्टर मैरिनेशन एक घंटे के बाद मैंने ये ओवन में रख दिया है रोस्ट होने के लिए चिकन को। मैंने पूरा बेक पे और 250 टेम्परेचर रखा है। फ्रेंड्स जब तक हमारा चिकन रोस्ट हो रहा है हम आ जाते हैं इसका मसाला बनाने की तरफ यानी कुकिंग। तो फ्रेंड्स पैन हीट अप हो गया है, अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ जो कि हाफ कटोरी से थोड़ा ज्यादा है, ये मैंने ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, प्याज डाल दी, फिर इसमें मैंने तेज पत्ता डाल दिया है। अब मैं प्याज की बघार बना लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मेरी बघार तैयार हो चुकी है, इसको मैं अभी निकाल लूँगी और इसको मैं मेवों के साथ फिर पीस लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए काजू पिस्ता बादाम और इसके साथ खशखश और ये गरम मसाला ये बघार मैंने रख दी है, अब मैं इन सबको पीस लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये सारे मेवे बघार और मैंने साथ में दही डाल के इसको पानी की जगह दही डाल के पीस लिया है। अब ये जो ये पिसा हुआ मेवा और ये सब है बघार ये सब इसमें डालने में जाएगा इसमें, ये देखिए इसमें डाल दिया, दही भी इसमें शामिल है। और अब इसमें हमने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सारा नमक मिर्च गरम मसाला धनिया ये सब हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको ये भून गया है मसाला अच्छे से, अब मैं इसमें ये सब
मेवे डाली हूँ, किशमिश, बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह सब ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको धीमी आँच पे छोड़ दूँगी। और अब मुझे चिकन का इंतज़ार है कि चिकन मैं इसमें रोस्ट हो जाएगा तो इसमें डाल दूँगी। तो ये मसाला टाइप होता है, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं होता, लाइट सा मसाला ही चाहिए होता है इसमें, जो कि मेरा रेडी है ग्रेवी। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये जो रोस्ट है ये रेडी हो गया है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में। ये रोस्ट हो चुका है, ये मैंने इसको निकाल दिया है। अब मैं इसको इसमें पकी, फ्रेंड्स ये देखिए ये रोस्टेड चिकन बन गया है। और अब मैं इसको ये पतीली में पैन में डाल दूंगी और ये भी 15-20 मिनट इस पे ये बनेगा। थोड़ा सा मैं इसमें ग्रेवी डाल दूंगी ताकि ये 10-15 मिनट ये इसको मैं इस पर छोड़ दूंगी और ये धीमे धीमे बिल्कुल दम पे आ जाएगा। फ्रेंड्स आप तो देखें ये मेरा मुर्ग मुसल्लम जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। मैं 5 मिनट में इसको डिश आउट कर लूँगी और मैं इसमें ये आखिर में केवड़ा डाल देती हूँ ताकि स्मेल अच्छी आ जाए इसमें। दोस्तों ये मुर्ग मुसल्लम तैयार है, मेरी आज की वैलेंटाइंस स्पेशल रेसिपी। अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ चांदी के वर्क से। बहुत डेलिकेट होता है, बहुत ही आराम से लगाना होता है, खराब भी हो जाता है। ये हमारी रेसिपी आज की वैलेंटाइंस स्पेशल मुर्ग मुसल्लम तैयार हो गई है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त मुगलई डिश है और ये कभी कभार ओकेजन्स पे ही बनाई जाती है, डेली हम लोग इसको नहीं खा सकते क्योंकि इट्स ए वेरी हैवी डिश। जैसे कि आपने देखा ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब इसमें पड़े हैं, तो ये होती बहुत लजीज है। थोड़ा वक्त है, थोड़ी मेहनत है, लेकिन है बहुत लजीज। तो ये मेरी आज की रेसिपी हो गई। अब मैं अपने आज के इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। आप लोग अपने अपना त्यौहार मनाइए और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आखिर में मेरी आप लोगों से फिर वो ये रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आरफा शौकत फिर कोई आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आएंगी। जब तक ये अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।